फोर लेवल्स ऑफ नॉलेज इन इकोनॉमेट्रिक्स हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। इसमें आर तो हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन मैं इससे पहले कि आर के थ्रू इकोनॉमेट्रिक मॉडल्स की एस्टीमेशन सिखाऊं तो उसमें मुझे कुछ बातों का बार बार जिक्र करना पड़ेगा, और उसमें ये फोर लेवल्स ऑफ नॉलेज इन इकोनॉमेट्रिक्स जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको इसके बगैर भी, आप कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो भी आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए, और अगर आपके लिए इसके लिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डायनेमिक इकोनॉमेट्रिक्स बाई डेविड हेनरी की बुक है, आप उसके पहले चैप्टर को अगर रीड करेंगे तो आपको इसके बारे में फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फोर लेवल्स ऑफ नॉलेज है इन इकोनॉमेट्रिक्स। पहला है कि मॉडल इज नोन, पैरामीटर्स आर नोन, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है, तो ये बेसिकली लेवल ए नॉलेज कहेंगे हम, कि मॉडल नोन है, पैरामीटर्स नोन है। दूसरा मॉडल लेवल ऑफ नॉलेज हमारे पास होता है कि मॉडल इज नॉन, पैरामीटर्स आर अननोन, तो इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा लेवल ऑफ नॉलेज जो कि हमारा सबसे प्रैक्टिकल लेवल होता है मॉडलिंग का, सोशल साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में, ऑब्जर्वेशनल डेटा इन बायोलॉजिकल साइंसेज में, और वो है मॉडल इज अननोन, पैरामीटर्स आर अननोन। फोर्थ लेवल ऑफ नॉलेज जो हमारा होगा वो है फोरकास्टिंग थ्योरी। तो आप देखिए, तो सबसे पहले हम लेवल ए नॉलेज की बात कर रहे हैं, जहां पे हमने कहा कि पैरामीटर्स आर नोन, मॉडल्स आर नोन, पैरामीटर्स आर नोन। तो ये प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये पता है कि आपके पास जो है एक मॉडल, उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस पता है। फॉर एग्जांपल, हम एक डाइस रोल कर रहे हैं, वो एक वेल बैलेंस्ड डाइस है, सिमेट्रिक है, रोल्स इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स क्या होगी, हर एक इक्वली लाइकली है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स जो है ये प्रोबेबिलिटी एस्टीमेट कर रहे हैं, आपको पता था हर एक के आने के चांसेस इक्वल है, उस पे सिक्स साइड्स हैं और वो एक क्यूबिकल वेल बैलेंस्ड डाइस है। लेकिन ये जो आपके पास जो है, ये लेवल ए जो है, इसमें हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रेलेवेंट इकोनॉमिक बिहेवियर जो है वो पता होना चाहिए, जो कि कभी भी नहीं पता होता, चाहे हम कंजम्पशन थ्योरी की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें, मनी डिमांड फंक्शन की बात करें, या इवन मींस अर्निंग फंक्शन की बात करें, तो ये कहीं भी पता नहीं होता। इसलिए ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ नॉलेज होता है इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनोमेट्रिक मॉडल, इन सोशल साइंसेज, इन ऑब्जर्वेशनल डेटा फॉर अदर स्टडीज एज वेल। तो लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या है, तो हम जब भी मॉडल एस्टीमेट करते हैं तो हमारे पैरामीटर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्टेटिस्टिक्स कल जो है फाउंडेशंस होती हैं, तो इसके लिए हमें इस लेवल ऑफ नॉलेज को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। बट ये एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल बात होती है, इन इटसेल्फ यूज होती है फॉर सम अदर पर्पस, तो इसलिए इसको हम ये कहेंगे कि हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज है जो कि जरूरी है, बट ऑल टूगेदर यानी कि हमारे लिए हमारा पर्पस फुलफिल नहीं करता अपने तौर पे। दूसरा लेवल ऑफ नॉलेज जो हमारे पास है वो है एस्टिमेशन थ्योरी। मॉडल इज नॉन, पैरामीटर्स आर अननोन, यानी कि एक डाइस है, हमें ये पता है कि उसके एक से छह नंबर्स हैं, क्यूबिकल डाइस है, हमें नहीं पता कि जी आपके पास जो है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स फाइंड आउट करनी है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये नहीं पता कि जी अच्छा वो जो वन टू सिक्स है वो एक बिल्कुल बैलेंस्ड है, थोड़ा बहुत उसमें जो है वो इश्यू है, तो हम क्या करेंगे, उस डाइस को रोल करते जाएंगे, तो सिक्स फॉर एग्जांपल 180 टाइम्स में से 30 के अराउंड सिक्स आएगा, तो हम कहेंगे ये लेवल ए से हमारा नॉलेज मैच कर रहा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स जो है रफली 1/6 एस्टिमेट होने के करीब हो रही है। तो ये जो लेवल ऑफ नॉलेज है ये उससे पहले वाले से एडवांस्ड है, क्यों, इसमें थोड़ा यानी कि डिफिकल्टी इसमें ज्यादा है, इसमें मॉडल नोन होता है और पैरामीटर्स जो है वो हम एस्टीमेट करते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट और ज्यादातर हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, सोशल साइंसेज में जब हम रिग्रेशन मॉडल्स यूज करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम अस्यूम कर लेते हैं ये हमारी एक इक्वेशन है, अब हम एमएलई, ओएलएस, किसी और मेथड से जस्ट उसके पैरामीटर्स को एस्टीमेट करते हैं और हम अपनी स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। इट्स यूजुअली नॉट द केस।
कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो कौन से वाला है, बट आप अस्यूम कर लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये वाला है, हमें सिर्फ पैरामीटर्स एस्टीमेट करने हैं। तो ये लेवल ऑफ नॉलेज भी यूजफुल है, बट इन प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंसेज में, ऑब्जर्वेशनल डेटा में ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेवल थ्री जो है दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन जो कि हम डेली फेस करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट, इकोनोमेट्रिशियन, सोशल साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट इन ऑब्जर्वेशनल डेटा जो है रिग्रेशन मॉडलिंग यूज करते हुए फेस करते हैं। मॉडल अननोन है, पैरामीटर्स अननोन है, हमें सिर्फ इतना पता है कि डाइस पे कुछ नंबर्स हैं, कितनी दफा वहां पे जो है वो नंबर्स एग्जैक्टली क्या हैं, और हमें ये कहा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स एस्टीमेट करें। तो क्या सक्सेसिव रोल्स इंडिपेंडेंट हैं, क्या डाइस को हर दफा सेम वे से कंडक्ट किया जा रहा है, क्या आपके पास जो है जो डाइस है वो उसकी उसका बिहेवियर ओवर टाइम जो है वो सेम रहता है जैसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बिहेवियर की बात हम करते हैं। तो अब ये आपके पास जो है हम क्या करते हैं कि उस डाइस को रोल करते हैं और उससे कुछ एम्पिरिक्स आते हैं और हम उससे प्रोबेबिलिटी जो है वो एस्टीमेट करने की कोशिश करते हैं कि जी सिक्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बट अब देखिए इसमें इशू क्या है कि हमें यही नहीं पता कि वाकई वो एक डाइस उस पर दो दफा सिक्स है, पांच दफा सिक्स है, तीन दफा है, एक दफा है, वहां छह नंबर है, पांच नंबर है। वी डोंट नो द मॉडल, वी डोंट नो द पैरामीटर्स। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, तो क्या आपके पास जो है वो इसमें प्रीवियस थीरीज क्या कहती हैं? तो ये जो प्रॉब्लम है दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जी आपके जो है ना आपको एग्जैक्टली नहीं आइडिया कि जी कौन सी थीरीज इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैलिड है नहीं है। अब एक है कि इस पे हम जो है वो बिल्कुल डेस्परेट हो जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं फिर कि जो इकोनॉमिस्ट ने प्रीवियसली थीरीज हमें इलेबोरेट की होती हैं तो हम अपने मॉडल्स को स्लाइटली उस तरफ जो है वो रिड्यूस करते हैं, हम अपनी पॉसिबिलिटीज को वहां लेके जाते हैं। फिर इकोनॉमेट्रिशियंस ने जिस तरह के मॉडल्स एस्टीमेट किए जाते हैं तो हम उनकी तरफ लेके चलते हैं। तो फिर उनमें से हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट मॉडल्स आते हैं, उन कैंडिडेट मॉडल्स को हम एस्टीमेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास ट्रू मॉडल कभी भी नोन नहीं होता। मैं बार बार अपनी क्लासेस में भी कहता हूं ट्रू मॉडल इज नेवर नोन। मॉडल एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी की एक सिंपल फॉर्म होती है। तो हम अपने मॉडल्स जो है हम पॉसिबल रिडक्शंस करते हैं। तो जो इकोनॉमिस्ट ने जो मॉडल्स प्रपोज किए होते हैं 8, 10, 15, 20, 2, 4, तो हम उसकी बेस पे हम अपना जो है वो कुछ मॉडल्स को जो है वो एस्टीमेट करते हैं। देन वी सी कि इनमें से कौन सा जो है मॉडल हमारे टेस्ट पास करता है एंड देन इनमें से कौन सा बेस्ट मॉडल है। तो ये बेसिकली आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लेवल ऑफ नॉलेज है। तो हम इस पे कम काम करते हैं, हम लेवल बी को ज्यादातर जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो टेक्निकल टेक्नोलॉजी क्या डिफरेंसेस अब आ गए हैं नहीं आए, आपके पास जो है स्टोकेस्टिक डायनेमिक मॉडल्स जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो इसलिए वी से एम्पिरिकल इकोनॉमिक मॉडलिंग इज वेरी हार्ड। तो और हमारा डीजीपी डेटा जनरेटिंग प्रोसेस, पहले दोनों केसेस में हम ये कह रहे थे दैट इज नोन, इस केस में हम कहते हैं कि डीजीपी अननोन है, जिसको हम पहले डिग आउट करते हैं कि ये किस डीजीपी के थ्रू आया है। लेवल फोर नॉलेज क्या होता है कि अगर डाई जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो हमने पास्ट डेटा पे लगाया था, क्या वो कल वाला जो डेटा होगा, जो आने वाला डेटा है, उसके लिए भी वो वैलिड है या नहीं है। तो चूंकि ये आपके पास हम अस्यूम करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर था, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो उसका पीछे पूरा स्टेबल पैटर्न चल रहा था, वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हम कहते हैं कि अगर ये पिछला सारा कुछ एज इट इज हो तो फ्यूचर में इस तरह की बात होगी। तो आई होप कि ये आपको एक आइडिया देगा कि हमारे पास लेवल ऑफ नॉलेज इन इकोनोमेट्रिक्स क्या होते हैं। इसी तरह की मैं एक बात कहूंगा, फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज इन इकोनोमेट्रिक्स, तो उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तो इसमें हम आर नहीं कर रहे, हम एक दो वीडियोज में थोड़ी सी ये इलेबोरेट करके फिर मैं आर के थ्रू मॉडलिंग जो है वो इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।